हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो आज की डेट है 7th अगस्त ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यार डिस्कस करने हैं। उससे पहले उन क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछे थे। पहला क्वेश्चन है कि बताइए बुर्किना फासो की कैपिटल करेंसी क्या है। तो बुर्किना फासो आपको नजर आएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और इसकी अगर कैपिटल की बात करते हैं तो ओब्वियसली ओगादुगू, अगर इसकी करेंसी की बात करते हैं तो वह है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। अगला क्वेश्चन था कि बताइए कि वो कौन से फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने जो है नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। तो ये डिजाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा, जो कि बेसिकली आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं। तो उनके बारे में और डिटेल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज की। एडिटोरियल पेज पे ज्यादातर आर्टिकल आज भी कश्मीर से रिलेटेड है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड पे पहला आर्टिकल है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है काफी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे तैनात है, तो इसी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोल सिचुएशन है। लेकिन जब यहाँ से वो हट जाएंगे तब जो यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लेना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेंटर में जो आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2014 से ही जो है प्रेजेंट सरकार सेंट्रलाइजेशन काफी ज्यादा फोर्स कर रहा है, और ना सिर्फ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो की, अलग अलग सेक्टर्स में भी जो है सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ये स्टेप भी जो है काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। नीचे वाला जो आर्टिकल आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑथर जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रही है बेस्ड ऑन यहाँ पे जब से 370 को रिवोक किया गया है, तो उस चीज को यहाँ पे आप देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे ये वाला आर्टिकल बताया जा रहा है कि हिस्टोरिकली जो है यहाँ पे बहुत सॉफ्ट पावर हार्ड पावर दोनों का इस्तेमाल किया गया था कश्मीर के लिए। इनिशियली जब यहाँ पे हार्ड पावर की बात करें, जब पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैक किया था अर्स्टवाइल किंगडम पे, उसके बाद से सिर्फ सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन 2014 के बाद से सॉफ्ट पावर पे भी ज्यादा भरोसा नहीं रहा है, और उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी कश्मीर के बारे में ही है। उसके बाद अगर बात करते हैं लेफ्ट साइड पे नीचे वाले आर्टिकल के बारे में, तो ये यूएस और चाइना से रिलेटेड है। अब यहाँ पे यूएस ने जो है यहाँ पे चाइना को घोषित किया है कि वो जो है अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है, तो बेसिकली करेंसी मैनिपुलेटर का जो टैग है ये बेसिकली चाइना को दे दिया गया है। अब ये टैग देने का जो यहाँ पे पूरा फोकस है, इसका क्या रीजन है और किसके पास ये अथॉरिटी है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं इस आर्टिकल में। नेक्स्ट अगर यहाँ पे इस पेज पे बात करोगे तो यहाँ पे ट्रिपल तलाक के बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है जो कि रविशंकर प्रसाद जी ने खुद लिखा है। तो क्योंकि ट्रिपल तलाक का बिल यहाँ पे पास हो गया, अब उसमें क्या चैलेंजेस थे और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स रखे थे पार्लियामेंट में, तो उन्हीं चीजों को यहाँ पे रिपीट किया गया है। अगर आपको ट्रिपल तलाक के बारे में और चीजें जाननी है तो 1st अगस्त को मैंने जो वीडियो बनाया था उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपको थंबनेल में नजर आएगा। अब यहाँ पे एक और न्यूज है जो यहाँ पे फ्रंट पेज पे आया था लेकिन एडिटोरियल में कवर नहीं हुआ है, तो वो ये है कि सुषमा स्वराज जी जो है जो पहले पिछली एक कैबिनेट में यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, तो उनका जो है देहांत हो गया है, तो इसी वजह से फ्रंट पेज पे उनके बारे में आर्टिकल आया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आज की कंट्री का नाम है सिशेल्स। तो सिशेल्स की जो लोकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड, जिसपे जो है हम लोग अपना एक मिलिट्री बेस बनाने वाले थे, लेकिन सिशेल्स की जो यहाँ पे असेंबली है उन्होंने यहाँ पे उसे पार नहीं किया, तो काफी ज्यादा अनसर्टन हो गया है कि यहाँ पे अजम्पशन आइलैंड में हम यहाँ पे मिलिट्री बेस बना पाएंगे या नहीं। अगर सिशेल्स की कैपिटल की बात करते हैं तो वह बेसिकली विक्टोरिया है। अब यहाँ पे अगर इसकी करेंसी भी देख सकते हैं सिशेल्स रुपी जो है इसे फॉलो किया जाता है, इसकी लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सिशेल्स की। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडिया और सिशेल्स के रिलेशनशिप के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट काफी सारे रीजन की वजह से हो जाता है। पहला ये है कि हमारा जो ट्रेड रूट है यहाँ पे अगर यहाँ से निकलता है तो उसे सिक्योर करना जो है यहाँ पे सिशेल्स में अगर हमारे पास काफी अच्छा यहाँ पे रिलेशन है तो उसमें हमारी हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं चाइना का जो प्रेजेंस है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसे काउंटर करने के लिए ऑब्वियसली हमें जो है सिशेल्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी करनी जरूरी है। अगली मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग भी जो है यहाँ पे की जा सकती है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी का है, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इस पर्टिकुलर रीजन से पास होता है तो उसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है अगर वो इंडिया और सेशल्स एक साथ करता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी जो है सेफ रहने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। पहले आर्टिकल में हुआ यह है कि यहाँ पे यूएस ने जो है लेबल कर दिया चाइना को एज अ करेंसी मैनिपुलेटर। अब यहाँ पे
क्यों यहाँ पे जो चाइना यहाँ पे अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है, क्यों डिवैल्यू करता है, क्या उससे उसका फायदा होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। उसी के साथ साथ यूएस के पास कौन सी वो अथॉरिटी है जिस हिसाब से वो ऐसे लेबलिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं इस आर्टिकल में। और इसका एक यहाँ पे जो है इम्प्लीकेशन ये होने वाला है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड वॉर है तो वो खत्म तो नहीं हो पाया, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल से पहले यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन द लाइट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बाई चाइना, डू यू थिंक दैट अदर कंट्री शुड ऑल्सो डिवैल्यूएट इट्स करेंसी सब्सटैंशिएट। तो इसके बारे में आपको और डिटेल्स या जो है आर्टिकल के बाद पता चल जाएंगी। अब हुआ ये है कि मंडे को यूएस ने फॉर्मली जो है चाइना को यहाँ पे करेंसी मैनिपुलेटर का जो है लेबल दे दिया है। अब ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो करेंसी का फॉल देखने को मिला है बीजिंग में कंपेयर टू डॉलर, वो काफी ज्यादा लो हो चुका है, तो इसी 11 ईयर लो है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे अब वो लेबल दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्योंकि चाइना की जो करेंसी है वो वीकन हो रही है, तो इससे चाइना को क्या फायदा होने वाला है। अब यहाँ पे जब आपको बताओ कि इंडिया की जब रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही थी तो इम्पोर्ट में ज्यादा यहाँ पे जो है नुकसान था, लेकिन एक्सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी होगी, डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, तो उसको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। यूजुअली जो डिवैल्यूएशन है वो यहाँ पे सरकार करती है, जैसे कि आप देख रहे हैं मनी इज डिवैल्यूड बाय दी गवर्नमेंट, तो वो जो है डिवैल्यूएशन कहा जाता है। तो जो आपकी करेंसी की वर्थ है वो यहाँ पे जो है अब रिड्यूस होती जा रही है। और अगर डिप्रिशिएट की बात करते हैं तो वो यूजुअली जो है जो सप्लाई चेन का जो एक्सचेंज का मार्केट है वो डिसाइड करता है, उसके बाद जो है यहाँ पे डिप्रिसिएशन होता है, बेसिकली कितना यहाँ पे सप्लाई है, कितना डिमांड है यहाँ पे डॉलर का, उस हिसाब से यहाँ पे डिप्रिसिएशन होता है। लेकिन अभी जो पूरे आर्टिकल में हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिवैल्यूएशन, तो इसका मतलब ये कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो खुद जो है अपनी वैल्यू की जो करेंसी की वैल्यू है उसे यहां पे रिड्यूस करता जाता है। अभी दोनों में डिफरेंस यही रहता है कि कौन यहाँ पे जो है डिवैल्यू यहाँ पे जो है वैल्यू को डिप्रिशिएट कर रहा है, तो उस हिसाब से जो है दोनों में से एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे आर्टिकल की तरफ। अब आर्टिकल में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चाइना है वो अपनी करेंसी को जो है डिवैल्यूएट करता है। अब इसका क्या मतलब होता है, अब यूएस की जो ट्रेजरी है और चाइना दोनों के बीच में यहाँ पे जो इशू चल रहा है ट्रेड वॉर का, इसी वजह से जो है ये स्टेप लिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि डीवैल्यूएशन का क्या फायदा हो सकता है, सबसे पहले समझते हैं डीवैल्यूएशन का मतलब होता क्या है। मान लीजिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से सब कुछ समझते हैं, अभी मान लीजिए $1 की वैल्यू 70 रुपीज है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक पेन बेच रहे हैं यूएस में और उसके बदले में आपको $100 मिल रहे हैं, वो एक पेन $100 का है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब वैल्यू जो है हमने डिवैल्यूएट कर दी है, तो अब जो है $1 की वैल्यू मान लीजिए $80 है, ठीक है, 80 रुपए है, तो तब जो है उसी एक प्रोडक्ट को बेचने में जो आपको $100 मिल रहे हैं, अब वो $100 इंटू 70 की जगह इंटू 80 हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यू जो है अब यहाँ पे डिवैल्यू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को काफी फायदा होता है जब आप यहाँ पे जो है डिवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन होती है आपकी करेंसी में, लेकिन इम्पोर्ट काफी ज्यादा जो है महंगे हो जाते हैं। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल जाता है लेकिन इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं $100 का, अगर वो कोई पेन है, तो अगर वो यहाँ पे मान लीजिए अभी कर एक्सचेंज रेट 70 रुपीज़ चल रहा है, तो आपको अगर एक्सचेंज करने के बाद कितना पैसा मिलेगा, 700 रुपीज़ मिलेगा, 7000 रुपीज़ मिलेगा, क्योंकि इंटू 70 कर रहे हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए डिवैल्यू हो जाती है, अगर 80 हो जाता है रुपी पर डॉलर, तब जो है आपको 8000 रुपीज मिलने वाले, तो आपको जो है एक्सपोर्ट करने के फायदे नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्योंकि इंपोर्ट महंगे हो जा रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे कंज्यूमर खरीदेंगे तो उसमें भी महंगाई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं जो है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है इसको भी प्रमोट करता है, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो भी जो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, तो वो रिड्यूस होगा क्योंकि इन्वेस्टर जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उनपे जो खर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे रिड्यूस होता जाएगा। अगली बात करते हैं कि जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड डेब्ट होंगे, मतलब जो भी उधारी जो है हमने यहाँ पे डॉलर वैल्यू पे लिए हैं, तो क्योंकि डॉलर का रुपी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वैल्यू ज्यादा होगा, तो इसी वजह से जो है जो इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा वो भी ज्यादा होने वाला है, तो ये एक और नुकसान यहाँ पे देखने को मिलता है। अगली बात ये है कि इंपोर्ट महंगे हो गए हैं, तो आप जो भी खरीदने वाले हैं, मान लीजिए ऑयल खरीद रहे हैं, तो उन सब चीजों पर जो है आपको काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, इसी वजह से आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से भी जो है डिप्लीशन देखने को मिलेगा। अगली बात ये कि आप जो भी बॉन्ड इशू करेंगे उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो भी काफी ज्यादा डाउनग्रेड हो सकती है, तो ये कुछ बेसिक जो है आपको इफेक्ट नजर आएंगे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो सेम चीजें जो मैंने आपको बताई वो आपको चाइना के पर्सपेक्टिव में भी यहां पे देखने को मिलेगा। अब चाइना ये सब जानने के बावजूद जो है
अपनी करेंसी को डिवैल्यू क्यों करता है, क्योंकि वो जो है मार्केट में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। अब एक और एग्जाम्पल के साथ समझे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इंडिया में है, अगर आपको एक कार खरीदनी है और आपको पता है कि वो कार 10 लाख रुपए की है, तो आप जो यहाँ पे 10 लाख रुपए पे कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक अलग कार खरीदनी है यूएस से, तो आप ना सिर्फ उस कार की वैल्यू देखेंगे क्योंकि वो जो है डॉलर्स में होगी, उसके बाद आप देखेंगे कि कितना जो है एक्सचेंज रेट है, तो वहां पे आप दो पैरामीटर्स देखने लगते हैं। उसी तरीके से जब चाइना जो है एक्सपोर्ट करता है, तो वो कोशिश करता है कि वो जो मार्केट जो जिस मार्केट को वो अप्रोच या टारगेट कर रहा है, उसमें जो है उस प्रोडक्ट की वैल्यू मिनिमम हो सके। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इंडिया में यूएस का भी एक बहुत ही अच्छा फोन है और चाइना भी जो है यहाँ पे उसी के तरह का जो फीचर फोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो उसको यहाँ पे कॉम्पिटिशन या एज इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी को जो है डिवैल्यू करके रखा है। तो इस तरीके का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है जो चाइना को काफी आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे यूएस जो यहाँ पे डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर कंट्री जो यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके तीन पैरामीटर है जिस हिसाब से वो ये करता है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो यूएस डिपार्टमेंट ट्रेजरी है, ये डिसाइड करता है बेसिकली कि कौन यहाँ पे जो करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है। अब यहाँ पे तीन जो रीजन है वो ये है, सबसे पहले तो ये कि उनका जो है यूएस के साथ करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए और ट्रेड सरप्लस विद यूएस है, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे इंटरवेंशन इन द मार्केट जो है काफी ज्यादा होना चाहिए। अब इन तीन रीजन के हिसाब से ही जो है यहाँ पे चाइना को यहाँ पे करेंसी यहाँ पे मैनिपुलेटर का स्टेटस दे दिया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि 2003 से 12 के बीच में इस दौरान में जो है यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ करेंसी मैनिपुलेशन की गई थी चाइना के द्वारा, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है वो 2013 से 16 के बीच में जो है रिवर्स कर दी है चाइना ने। और सेम चीज जो यहाँ पे बताई गई है कि मॉडरेटली स्ट्रॉन्गर यहाँ पे मैनिपुलेशन से जो है बॉर्डर लाइन पे अब चाइना आ गया, मतलब चाइना धीरे धीरे जो है मैनिपुलेशन के जो चांसेस है वो यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे इसे अब यहाँ पे मैनिपुलेटर बना दिया गया क्योंकि ट्रेड वॉर का जो पूरा बैक एंड में सिचुएशन चल रहा है, इसी वजह से अभी जो है इसे करेंसी मैनिपुलेटर का स्टेटस दे दिया गया है। उसी के साथ साथ बताया जा रहा है क्योंकि अभी चाइना ऐसा कुछ खास कर नहीं रहा है, लेकिन ये एनकरेज कर रहा है बाकी कंट्रीज को कि वो भी जो है अभी ऐसा स्टेप ले सकते हैं, वो भी जो है अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकते हैं ताकि उनको एक्सपोर्ट्स में जो है यहां पे फायदा हो सके। अब इस पूरी करेंसी डिवैल्यूएशन का जो पूरा टॉपिक है उसमें इंडिया का क्या व्यू है। अब यहाँ पे इंडिया को भी लगता है कि यहाँ पे अगर हम अपनी करेंसी को थोड़ा सा वीक कर देते हैं, डिवैल्यू कर देते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी की जो करेंसी वैल्यू चल रही है रुपी की, तो वो अभी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, तो इसका हम यहाँ पे ज्यादा फायदा उठा नहीं सकते हैं एक्सपोर्ट में। अगली बात करते हैं, इस वक्त उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रहा है, उसमें हमें जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगली बात करते हैं, हमें जो असली फोकस करना है वो करना है यहाँ पे टैक्सेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, हमारा जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है उसके लिए लेबर इंटेंसिव चीजों पे जो है फोकस करना, और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ कैसे कनेक्ट करना है उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना है कंपेयर टू कि डिवैल्यू करनी है करेंसी को या नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे इंडिया के व्यू से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इवन एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी पिछले साल जो यहाँ पे आई थी 2018 अक्टूबर में, जहाँ पे जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग लिस्ट है, यहाँ पे जो यूएस ट्रेजरी यहाँ पे डिसाइड करता है, तो उस मॉनिटरिंग लिस्ट में इंडिया को भी ऐड किया गया था। तो बेसिकली करेंसी मैनिपुलेटर का स्टेटस नहीं दिया था, लेकिन जो जिन कंट्रीज की जो करेंसी उन्हें यहाँ पे मॉनिटर करना था, तो उस लिस्ट में जो है इंडिया का भी नाम यहाँ पे रखा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बताइए कि वो कौन सी कंट्री है जिसने जो है यहाँ पे द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है हाईएस्ट अवार्ड यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को दिया है। तो ये जो कंट्री है वो इसलिए गिनिया, और क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे थ्री नेशन विजिट पे गए थे, यहाँ पे बेनिन, गिनिया और यहाँ पे गए हुए थे, तो इसी वजह से जो है ये अवार्ड दिया गया है गिनिया के द्वारा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो थ्री कंट्री विजिट है वो सबसे पहले गए थे बेनिन, फिर यहाँ पे गैम्बिया, फिर यहाँ पे गिनिया। गिनिया की लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और गैम्बिया की लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे कश्मीर वैली से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको बताया कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल है वो यहाँ पे राज्यसभा से पास हो गया है और इवन कल जो है लोकसभा से यहाँ पे पास हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि ये अब एक एक्ट बनने जा रहा है आफ्टर दी असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, तब जो है यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्योंकि अब ये लॉ पास हो चुका है, तो यहाँ पे जो पीपल के बेसिक राइट्स है कि वो अपने जो वॉइस है वो यहाँ पे रख सके, तो उसे भी जो यहाँ पे प्रोवाइड करना या रिस्टोर करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इवन अगर आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो पे देखने को मिल रहा है कि श्रीनगर के ज्यादातर जो रोड्स है वो खाली है, कोई भी यहाँ पे आपको कश्मीरी नजर नहीं आएंगे। और अगर यहाँ पे लोगों की ओपिनियन के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यहाँ पे दुखी भी है और कुछ लोग खुश भी है, कुछ लोग यहाँ पे गुस्सा है, कुछ लोगों को होप है, तो वो सारी जो सिचुएशन है आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर आपको और डिटेल जाननी है तो आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं कि यहाँ पे हार्ड लेबर ऑफ पॉलिटिक्स अब यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि दो यूनियन टेरिटरीज को बनाने के लिए यहाँ पे बिल रखा गया है। उसके बाद जो पॉलिटिकल चेंजेस आने वाले हैं वो काफी ज्यादा जो है डिवास्टिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जितना भी यहाँ पे बिल में चीजों को लिखा गया है उसमें जो है यहाँ पे लोगों का ओपिनियन यहाँ पे नहीं लिया गया है, वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन अगर आपने कल का डिबेट अगर देखा होगा, जहाँ पे जो है लद्दाख से जो चुनकर आए थे एमपी, उन्होंने अपने ओपिनियंस को यहाँ पे रखा था, किस तरीके से यहाँ पे जब बातचीत हुई थी, जब राजनाथ सिंह जी गए थे लद्दाख में और क्या क्या डिस्कशन हुआ, तो वो सारी चीजें जो है लद्दाख के एमपी ने कल यहाँ पे लोकसभा में बोली थी। तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाके सुन सकते हैं। लेकिन असली सिचुएशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि सारे कम्युनिकेशन लाइन यहाँ पे बंद हो चुकी है, बाहर से कोई भी जो है जम्मू कश्मीर से यहाँ पे कांटेक्ट डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फोन के इंटरनेट कनेक्शन वो सब जो है बंद कर दिए गए हैं। इवन पॉलिटिकल लीडर्स और जो दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे उमर अब्दुल्ला और यहाँ पे जो महबूबा मुफ्ती है, उन दोनों को ही जो है हाउस अरेस्ट में रख दिया गया है और कर्फ्यू की सिचुएशन है। तो इसी वजह से जो ये बहुत बड़ा वोल्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जब लोकसभा में यहाँ पे बात करें तो अमित शाह जी ने यहाँ पे ये बोला है कि जो यूथ है कश्मीर के उन्हें यहाँ पे जो है फेथ रखनी चाहिए सरकार पे, और यहाँ पे जो भी ऑपोजिशन बोल रही है वो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स के लिए बोल रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि अभी जो है यहाँ पे अमित शाह के जो वर्ड्स वो इतने ज्यादा कंफर्टिंग नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है जरूरत यह है कि जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने कश्मीर के फैमिलीज को, तो उन्हें ये कनेक्शन प्रोवाइड करना है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पे कोई भी और बात जो है यहाँ पे उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकता है। अगली बात करते हैं, जो करंट पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ये एक्सपेक्टेड था। तो वही एक आर्टिकल में बताया जा रहा है कि 2014 से ही जो है यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट दिख रहा है सेंट्रलाइजेशन का, मतलब सेंटर जो है ज्यादा पावर कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ऑब्लिट्रेशन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस और स्टेट का जो सेंट्रलाइजेशन है वो दोनों ही यहाँ पे जो है आपको एक ट्रेंड की तरह नजर आएगा फ्रॉम 2014। ऑब्लिट्रेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तो बेसिकली यहाँ पे जो कल्चर है उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है अलग अलग सिनेरियो में, जिसके आप जानते हैं कि हिंदी को प्रमोट किया जा रहा था ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो ऐसे जो स्टेप्स है ये बार बार यहाँ पे लिए जा रहे थे यहाँ पे प्रेजेंट सरकार के द्वारा, और यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ यहाँ पे अगर क्लॉज या फिर प्रोविजन आता है तो उसको अपोज करना ऑपोजिशन के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो जो यहाँ पे प्रोविजन लाया जाता है नेशनल यूनिटी और डेवलपमेंट के नाम पे लाया जाता है, अगर आप उसे यहाँ पे अपोज करते हैं तो आपको जो है एंटी नेशनल यहाँ पे जो है टैग मिल सकता है। तो इसी वजह से जो है उसे अपोज करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ चुकी है तो आइडेंटिटी क्लैशेज जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं एक और आर्टिकल में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये स्टेप यहाँ पे जहाँ पे हम 370 को रिवोक कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, तो सिर्फ उस एक क्लॉज को रखा है आर्टिकल 370 और बाकी सारे क्लॉज जो है रिवोक कर दिए गए हैं। 35 बिल्कुल यहाँ पे स्क्रैप कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस स्टेप को लेने से पहले जो है क्या क्या चीजें हमने ट्राई की है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, हार्ड ऑप्शन और सॉफ्ट ऑप्शन। हार्ड ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ट्राई किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, जब उन्होंने जो है अपने ट्रूप्स को 1947 में मूव कर दिया था जम्मू किंगडम में, उसके बाद जो भाई हरिसंह यहाँ पे आए थे इंडिया से हेल्प मांगने। अब यहाँ पे क्योंकि हार्ड जो यहाँ पे ऑप्शन है वर्क नहीं हुआ, तो दोनों ही यहाँ पे कंट्रीज ने जो है सॉफ्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया। वाजपेयी जी की सरकार के बाद से ही जो है सॉफ्ट ऑप्शन काफी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर था। उसके बाद यहाँ पे सेम चीज को कैरी ऑन किया गया था मनमोहन मुशर्रफ फॉर्मुला के द्वारा, जहाँ पे ये चीज बात की गई थी कि जो क्रॉस बॉर्डर पे जो यहाँ पे जो फायरिंग हो रही है उसे सीज करना है, और जो एलओसी है उसी को जो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर भी मानने की बात की गई थी। लेकिन 2014 के बाद से ये सारे सॉफ्ट पावर के जो यहाँ पे सोल्यूशन है वो दोनों ही कंट्री यहाँ पे मानने को तैयार नहीं थे। और अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो यहाँ पे गवर्नमेंट के एक्शन के क्रिटिक है, तो उन्होंने यही बोला है कि ज्यादातर जो यहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं वो इस मोटिवेशन के साथ लिए गए हैं कि यहाँ पे लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इनहैबिटेंट्स। तो वही सारी जो क्रिटिक्स है वो आपके नजर आएंगे। अगर आप वी फॉरवर्ड की बात करते हैं तो इंडिया इस वक्त एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो काफी एंशियंट है, लेकिन हम एक न्यू नेशन की तरह उभरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बेसिकली बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी नजर आएगी, जिस तरीके से आपको एक एडोलेसेंट में नजर आती है उसी तरीके का जो एंजाइटी है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब क्योंकि दोनों ही यहाँ पे सोल्यूशन सॉफ्ट और हार्ड यहाँ पे वर्क नहीं हुए हैं, तो बहुत सारे अनरिजॉल्व जो इशूज है उसे यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा पाकिस्तान चाइना और इंडिया के बीच में। इवन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पे एंगेज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जो है लोगों की वॉइस को यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते, डिसेंट को रोक नहीं सकते हैं जस्ट बिकॉज आपके पास सिक्योरिटी जो आपने यहाँ पे तैनात कर रखी है। तो वही चीज़ को जो है यहाँ पे वे फॉर्मेट में बताया गया है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइए कि वो कौन सा बिल है जो यहाँ पे पार्लियामेंट में पास किया गया ताकि चेक और कंट्रोल कर सके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो इसके बारे में हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था 3-4 दिन पहले। तो ये जो बिल था ये बेसिकली कंपनी अमेंडमेंट बिल था, जिसके अंतर्गत कोशिश ये की जा रही है कि जो यहाँ पे मनी स्पेंड नहीं किया गया सीएसआर एक्टिविटीज में तो वो बेसिकली एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, और अगर इसे कंप्लाई नहीं किया जाता है तो इसमें जो है यहाँ पे पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। तो वही बेसिकली इस बिल के अंदर था। अब बात करते हैं यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बारे में, कि यहाँ पे बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन रीसेंट पास्ट। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट को जो सेलेक्ट किया जाता है गवर्नर को, तो उसके बारे में यहाँ पे जो कंडीशन है कौन से कमीशन के द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया गया था। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन 1966 का, यहाँ पे राज मनार कमेटी है, सरकार या कमीशन और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेसिस सरकार या कमीशन जो 1983 में आया था रिकमेंडेशन। अब इसमें अगर गवर्नर के क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया था कि जो भी गवर्नर सेलेक्ट होगा वो एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए इन सम वॉक ऑफ लाइफ, यहाँ पे अलग अलग फील्ड की बात की जा सकती है। दूसरी बात ये कि जो भी पर्सन सेलेक्ट होगा एज अ गवर्नर वो आउटसाइड द स्टेट को बिलोंग करना चाहिए ताकि जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स से ज्यादा जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना हो सके। दूसरी बात ये कि वो कम्प्लीटली डिटैच होना चाहिए इंटरनल पॉलिटिक्स लिंक के साथ, और यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में इन द रीसेंट पास्ट। उसके बाद अगर बात करते हैं चौथा क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि वो जो है मेंबर नहीं होना चाहिए रूलिंग पार्टी का। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे सरकार या कमीशन के द्वारा लिखी गई थी, और उसी पे जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे क्वेश्चन बना था यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब जो बाकी 2 क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि बताइए साइप्रस की कैपिटल करेंसी क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।